तो जो गुमान बृजभूषण सिंह को जी है कि दबदबा था दबदबा है, कहीं ये घमंड तो नहीं दर्शा रहे हैं? बृजभूषण दबदबा था दबदबा है, बृजभूषण ये बोल करके कहीं आपने संकट की घड़ी तो नहीं उकल लिया? बृजभूषण सिंह अपराधी हैं, चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि इमेज बचाने के लिए इनको शायद है जेल की सलाखों तक भेज देगी। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से साक्षी मलिक ने रोते हुए अपने जूते टेबल पर रख दिए और कहा कि वो अब से पहलवानी नहीं करेंगी, फिर उसके बाद जो है बृजभूषण शरण सिंह के अगर हम घर से निकले तो वहाँ पे पोस्टर लगे हुए देखे होंगे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है संजय सिंह जो पहलवान संघ के अध्यक्ष बने थे उसकी जो पूरा संघ है उसको निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ जो संजय सिंह थे उन तक को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद जो चीज़ें ट्रेंड पर हो रही हैं कि दबदबा जूती की नोक पर, इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फूलचंद यादव जी। सर, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर आप? आपको नमस्कार, आपके चैनल श्रोता को भी हमारी तरफ से नमस्कार। जब बृजभूषण के मकान पर 21 अकबर रोड पर मैंने देखा दबदबा था दबदबा है दबदबा रहेगा, तो हमने कहा ये लिखने क्या जरूरत है, क्या दबदबा हो गया है आपका, कहीं ये घमंड तो नहीं दर्शा रहे हैं बृजभूषण? आप सोचो, एक सांसद हो, WFI के अध्यक्ष रहे हो, इस धरती पर उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसी महान विभूतियाँ पैदा हुई कि जिसका कोई सामना आज तुलना नहीं कर पाया। आपको ये बात बताऊँ, इस घमंड पे ये हुआ, घमंड में तीनों गए, शास्त्रों में लिखा गया है घमंड में तीनों गए, धन वैभव वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना चली है सदा ना चलेगा जबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ये बात जो है वेद शास्त्रों में। रही बात दबदबा की, बात उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय ठाकुर साहब योगी आदित्यनाथ जी हैं, ना जाने कितने तमाम अपराधियों को नष्ट नाबूद कर दिया, गुंडों बदमाशों को जो है स्वर्गलोक पहुंचा दिया। आज उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था चल रही, वो भी ठाकुर हैं, लेकिन हमारे योगी जी ने कभी नहीं कहा दबदबा था दबदबा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री राजनाथ सिंह, वर्तमान में आज रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे नोएडा से विधायक हैं, लेकिन देखिए गौरवशाली ठाकुर को कभी इन लोगों ने नहीं कहा दबदबा था दबदबा है दबदबा रहेगा। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और उनके लड़के फतेह बहादुर सिंह, कई कई बार लोकसभा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कभी नहीं कहा दबदबा था दबदबा है। बृजभूषण ये बोल करके कहीं आपने संकट की घड़ी तो नहीं उकल लिया? आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के राजा मांडा, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री रहे, जब 1957 में भूदान आंदोलन चला तो सबसे ज़्यादा जमीन दान देने का इतिहास में नाम जो है ठाकुर बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह भी राजा मांडा का है, लेकिन बंदे ने कभी नहीं कहा, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यश कीर गौरव गाथा पूरे भारत में गाई जाती है कि सबसे जमीन देने का दान देने का काम राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह ने किया उत्तर प्रदेश का, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। राजा दिनेश सिंह विदेश मंत्री रहे प्रतापगढ़ के, ठाकुर वो भी थे, विदेश नीति को इन्होंने इतना बढ़िया मजबूत किया, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा, ठाकुर थे, नहीं कहा कि दबदबा था दबदबा है। एक तरीके से देखा जाए तो मोदी सरकार का तो दबदबा है ना? नहीं, दबदबा की बात बता रहा हूँ। हाँ। राजा भैया प्रतापगढ़ के हैं, आज तक इतिहास है उत्तर प्रदेश में इतना कोई निर्दलीय नहीं जितना जीता, लेकिन उनकी भाषा देख लीजिए सरल है, सरासर मिलनसार व्यक्तित्व के हैं, कभी किसी को सताया नहीं। चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस ही हो, किसी के सामने घुटना आज तक बंदा नहीं टेका, हमेशा निर्दलीय लड़ता है, कभी नहीं समाज में कहा कि दबदबा था दबदबा है। अब आप आइए जूते के नोक पर, जूता जो है कई बार विदेश के संसदों में जो है पार्लियामेंट में चल गया है, कई बार नेताओं के सभा में चल गया है, जूता इतना कमज़ोर नहीं होता, जूता अगर उठ गया तो वहाँ समझ लीजिए निर्णय तुरंत होता है। आप किसी कुछ पैसे दे दो, 10-20 हज़ार 50 लाख दे दो, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, अगर आपके जूते में ताकत है तो वो निश्चित है कि आपको लौटा देगा। उन बेटियों को देख करके जब मेज पर साक्षी मलिक ने जूते अपने निकाल के रख दिए, तभी मैंने कहा
हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों के बच्चे चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसे मर्दानी होना चाहिए। आज इन्होंने जो किया है ये भारत की गौरव है, ये मामूली बेटियाँ थोड़ी है। अपने देश का झंडा पूरे दुनिया में बल पराक्रम से जो लहरा करके भारत का नाम रोशन किया है, ये बेटियाँ तो पूजित हो जाती हैं, इनको सम्मान देना चाहिए। तो जो गुमान बृजभूषण सिंह को जी है कि दबदबा था दबदबा है, आपने इतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं किया कि आपको उपलब्धि दी जाएगी। सबसे ज़्यादा काम आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उनको दूर कर दिया। अभी वर्तमान में मामा शिवराज ने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी ताजिन। अब चुनाव नज़दीक है, बृजभूषण सरंग क्या सोच बैठे, जीते संजय सिंह बबलू जैसा अपने आप मना रहे हैं। अगर ये शांत रहते हैं शायद कुछ और अच्छा होता। जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अपने कोर्ट में जारी की है, इससे तमाम साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध हो जाता कि हाँ बृजभूषण सिंह अपराधी हैं। चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि इमेज बचाने के लिए इनको शायद है जेल के सलाखों तक भेज देगी। मतलब लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी क्या होगी, जेल की सलाखों में। आप बताइए, पहले लंबित जो है 38 मुकदमे पहले से भी है। बृजभूषण ने कहा पहले भी स्वीकार किया है कि हमने किसी की जो है एक सांसद की या विधायक की हत्या की है। आपराधिक किस्म का जिसका इतिहास है, आज ये पाप नहीं सजा देगा, कहे नहीं देगा दूसरा नहीं, कभी न कभी पापी का अंत होता है। लेकिन सवाल वही है ना कि सरकार इतनी देर क्यों लगाती है, एक साल से पहलवान बेटियों को जो बर्बरता का व्यवहार किया जा रहा था सड़कों पे आपने देखा होगा, तो एक साल क्यों, चुनाव आते ही ये सब गिरफ्तारी हो जाती है, पहलवान संघ को निलंबित कर दिया जाता है। देखिए इसको लोग समझते हैं, आरोप लगना अलग है, दोष सिद्ध होना अलग है। अब तक इनके ऊपर आरोप लगे हैं, अब कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाएंगे तब इनको सजा मिलेगी ना। अभी दोष सिद्ध होने दीजिए, दोष के जो है काफ़ी जो है लोगों ने अपना एविडेंस भी दिया है, साक्ष्य भी दिया, सारी चीज। जज साहब हमारे इतने वो नहीं है कि वो करेंगे, मान लो पुलिस प्रशासन कोई कुछ करेगा इनका पक्ष लेगा, लेकिन हमारी कोर्ट बहुत बढ़िया न्याय प्रक्रिया को अपना करके दोषी को सजा देती है। तो इस तरीके से मतलब जो इसके बाद दूसरा देखा जाता है, जो बजरंग पुनिया है वो भी अपना पद्मश्री जो अवार्ड है उनको दिया गया था वो मोदी सरकार के आवास के बाहर रख देते हैं, तो इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है मतलब जाट समाज के आए लोगों से। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री करने पर वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो जाट समाज का अपमान किया जा रहा है। देखिए बजरंग पुनिया जो प्रधानमंत्री के आवास सामने जो अपना मेडल वहाँ रखा, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, मिलने के पहले प्रधानमंत्री से एक परमिशन लेना होता है, प्रधानमंत्री थे उसको क्या थे रख दिया। ठीक है, नारी ने जब जब सही है अपमान की पीड़ा, नारी ने जब जब सही है अपमान की पीड़ा, तभी लवकुश लवकुश आगे समझ करके घोड़े का रथ थाम लेते हैं। ये जो हमारे महिला पहलवानों का नारियों का पीड़ा हुआ है अपमान का, तो तब तब जो है कोई न कोई आगे बढ़ करके जो है घोड़े को थाम लेता है, अपराध को रोक लेता है। एक उसी संगठन में तो बजरंग पुनिया भी आते हैं जो लड़े हैं, WFI में रहे हैं, अपना मेडल जीते हैं, सारी चीज़। अगर घुटन की ज़िंदगी जीना है तो नरक की ज़िंदगी जैसे हो जाती है, इसलिए स्वाभिमान की ज़िंदगी होता होनी चाहिए। स्वाभिमान से जीने के लिए दो दिन ही जीना पड़े वो काफ़ी, लेकिन घुट घुट करके सालों साल जीना है तो रोज रोज का मरना है। तो मतलब इस तरीके से अब आपको लग रही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। आप ये बताइए, दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई चालू कर दी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आने वाले समय बृजभूषण कहाँ ने क्या जरूरत थी, जीते संजय सिंह बबलू थे, अब ये तो अपने थे ना, जीते वो थे, इनको क्या दिखाना था, कुर्सी कुश्ती 28 नवंबर के नंदनी नगर के गोड़ा जिले में इनके स्कूल में होगी, या जश्न मनाने का बड़ा बड़ा माला पहन करके दबदबा था दिखाने का, शांति से पड़े रहते तो बात कुछ अलग था। कई बार बात बन जाती है चुप रहने से, कई बार बात बिगड़ जाती है बोल देने से। तो अब क्यों गिरफ्तारी हो रही है, जब एक साल से जब वो धरने पे बैठी तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, जो यौन उत्पीड़न का मामला बताया जा रहा है तब क्यों नहीं हुए गिरफ्तार? मैडम जी, एक नारी कांड हुआ था निर्भया, वो भी मुकदमा 6-6 साल चला है, एक कोर्ट की प्रक्रिया है, अभी तो साल भर हुआ, साल दो साल 6 महीने में जो इसका फैसला आ जाएगा, न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने में बड़ा समय लग जाता है। निर्भया वाले कांड में देख लीजिए कितना समय लग गया, लेकिन दोषियों को सजा तो मिली, अभी तो 6 महीने से बातें उठी, हो सकता है 1-2 साल, लेकिन जो है कोर्ट आज नहीं कल तो फैसला लाएगा,
मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रणनीति हुई ना वोट बैंक अपने हाथ में लेने के लिए। छोटी मैं आपको बता के चल रहा हूँ ना, इन पहलवान बेटियों तक संदेश पहुँच जाना चाहिए, अपने आत्मबल को कम बिल्कुल न करें, साहस हौसले के साथ रहें। अगर एक बार आपने देश का झंडा ऊंचा किया है तो मेरी शुभकामना है कि आप सौ सौ बार देश का झंडा ला रहा है, भारत का नाम कमाए। इतना नहीं, आज भी तुम्हारे साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, तुम निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत से हौसले से काम लो, भारत देश का झंडा लहराइए, भारत की कीर्त या गौरव स्वाभिमान पर आप रहिए, आपका सम्मान सुरक्षित है। आपके साथ जो है न कोर्ट जो है अन्याय करेगी, न जनता करेगी, आपको प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। आपके जूता निकाल देने से न जाने कितने समझदार लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, यही देख करके सरकार भी सोची कि इस पर हमें त्वरित कार्रवाई करना पड़ेगा। जो WFI के चुनाव हुआ है उसको रद्द करके अब नए सिरे से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो अब जो पहलवान संघ है उसको भी निलंबित कर दिया गया, जो साथ ही में उनके अध्यक्ष थे संजय सिंह उस तक को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते हैं तभी क्यों सरकार एक्शन में आती है? उससे पहले जब एक साल से पहलवान बेटियाँ जब धरना दे रही थी तब क्यों नहीं सरकार ने एक्शन लिया और बृजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव आते ही सरकार इस तरीका मतलब इतनी देर क्यों लगाती है एक्शन लेने के लिए? बाकी आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए।